नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज है 9 मई और 9 मई के दिन वाराणसी में कैसा अपडेट है, G20 सम्मेलन जून माह में जैसा कि होने वाला है उसकी क्या तैयारी है। तो आज मंगलवार का दिन भी है, इस सामने आप देख रहे हैं, यह है आपका पटेल चौक और यहीं से मैं आपको ले चलता हूं कबीर चौरा की तरफ से होते हुए आगे की तरफ और देखते हैं कि क्या अपडेट है। इधर देखेंगे तो ओरिजिनल पॉइंट वाराणसी नगर निगम द्वारा सीधा आगे चलते हैं। और ये है सामने की तरफ विनायक प्लाजा, यहां से एक बार फिर मैं विनायक प्लाजा का आपको दिखाऊं कि किस प्रकार ये प्लाजा है। काफ़ी खूबसूरत प्लाजा है विनायक प्लाजा। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये चले जाएगा आपका पटेल चौक, मैदागिन, कबीर चौरा और यहीं से मैं आगे आपको ले चलता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार नीचे में टाइल्स बिछाया जा रहा है फुटपाथ पे। ये सभी तैयारी हो रही है G20 के चलते। जून माह में G20 का बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है और ये आप देख रहे हैं किनारे किनारे आगे चले जाएगा दाएं तरफ जगतगंज के लिए और इस तरफ चले जाएगा आपका इधर। मैं आपको दिखाऊं तो जितने भी प्रथम चरण के समय में डिवाइडर पर पौधारोपण किया गया था वो सभी पौधे अभी फिलहाल पानी देने के कारण बचे हुए हैं। काफ़ी हरे भरे पौधे हैं, दो टाइम यहाँ पर पानी दिया जाता है इन पौधों को। ये मार्ग आप देख रहे हैं, ये है तेलिया बाग। और
चलिए हम आगे चलते हैं तेलिया बाग से होते हुए। ये जगह आप देख रहे हैं सामने में सीधे अंधरा पुल है, एक तरफ दाहिने तरफ ये चले जाएगा मार्ग आपका चौका घाट के लिए। तो चलिए आपको आगे बढ़ते हुए चौका घाट तक भी ले जाएंगे। फिलहाल ये सीधे आगे आपको चला जाएगा कैंट स्टेशन के लिए। काफ़ी चौड़ा मार्ग है, 4 लेन है ये। देख रहे हैं सीधे आगे चला जाएगा कैंट स्टेशन के लिए। बनारस में कुछ दिन मौसम सही था, शाम को थोड़ा सा ठंडक हो जाता था, लेकिन अब देखेंगे तो बनारस में फिर से एक बार काफ़ी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। करीब 11 बजने वाले हैं और धूप ज़बरदस्त एकदम सीधी पड़ रही है। आगे देखेंगे तो ये है राजघाट पड़ाव, रामनगर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली और सैयद राजा, ये सभी इस मार्ग में आगे की तरफ पड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर द्वितीय चरण के समय में ये काफ़ी जगह एक बार फिर से सजाया जाएगा। सड़कें फिलहाल देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये 4 लेन है और डिवाइडर पर जितने भी पोल लगाए गए हैं सब नए नए पोल हैं और वृक्षारोपण, रिफ्लेक्टर, ये सभी डिवाइडर पर लगाए गए हैं। ये है आपका चौखा घाट, फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही आपका ये मार्ग है, चौका घाट मार्ग के नाम से जाना जाता है। ट्रैफिक बेलगाम ट्रैफिक है। देख रहे हैं डिवाइडर पर सभी नए पौधे लगाए गए हैं और बिजली के खंभे लगाए गए हैं, पोल्स लगाए गए हैं, ये सभी नए पोल्स हैं।
वाराणसी रेलवे सिटी स्टेशन भी यहीं आगे में ही है, बाएं तरफ। और काफी शानदार फोर लेन, बनारस में फोर लेन जगह जगह अब आपको दिखाई देगा, और खास करके G20 सम्मेलन के चलते काफ़ी निर्माण कार्य हुआ है। ये दुकानें देख रहे हैं, सभी दुकानों में पेंट करके खूबसूरत पेंटिंग की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये आपका सिटी रेलवे स्टेशन, सीधे चला जाएगा मार्ग आपका राजघाट के लिए। और राजघाट के बगल में ही सबसे आधुनिक घाट है नमो घाट, ये तैयारी देख रहे हैं। ये जितनी भी पेंटिंग हुई थी सब G20 के प्रथम चरण के समय हुई थी। यहाँ खूबसूरत कारगिल युद्ध का चित्रण किया गया है, पुलवामा अटैक के समय का चित्रण है ये। देशभक्ति या इतिहास से संबंधित दीवारों पर चित्रकारी की गई है। ये आप देख रहे हैं, ये है कचाटपुरा फ्लाईओवर जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। ये फ्लाईओवर काफी दिनों से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। एक तरफ चले जाएगा आपका संत रविदास मंदिर की तरफ, यहाँ देखेंगे तो ये सभी डिवाइडरों पर पौधा लगाने के लिए बीचों बीच इसको खोद दिया गया है।
कि आप देखेंगे तो यहाँ जितने भी तैयारी की गई थी प्रथम चरण के लिए घास लगाया गया था, सभी घास यहाँ पर सूख चुके हैं और एक बार फिर तैयारी करना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं सभी घास सूखे हुए हैं। इसी प्रकार उस तरफ भी बनाया गया है जो बिना मेंटेन के अभाव में सब जितने भी मूर्तियाँ लगाई गई थी जानवरों की वो सब गिरी हुई हैं टूटकर। फिलहाल ये चले जाएगा मार्ग सिरे राजघाट के लिए। सड़कें तो बनाई गई हैं लेकिन अभी फिलहाल मार्किंग नहीं की गई है सड़कों पर।